प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंटरनेशनल मॉडल टीना ने तो इतना बड़ा कभी सोचा भी नहीं था। आज वो सिर्फ प्रणय को उसके लिए ही सजा देना चाहती थी और खुद को दोबारा से इस इंडस्ट्री में खड़ा करना चाहती थी। वो बस अभी प्रणय गुलाटी और यूसुफा को उनके किए की सजा देना चाहती थी। पीजी ग्रुप की मीटिंग के ठीक पहले तकरीबन 12 बजे प्रणय और टीना लंच के लिए रेस्टोरेंट पहुंचे। प्रणय गुलाटी, जिसने कि बहुत दिनों से टीना के साथ लंच भी नहीं किया था, वो आज अचानक ही टीना को लंच के लिए ले जा रहा था। उसने रेस्टोरेंट में एक टेबल भी बुक कराई थी और कैंडल लाइट लंच का इंतजाम किया था, लेकिन अब टीना को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। प्रणय ने खुद टीना के लिए चेयर आगे खींची और उसे बैठने का इशारा किया। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट सिलोइन स्टीक ऑर्डर किया है। कुछ पल के लिए टीना सरप्राइज हो गई। ये तो हद हो गई थी। 5 सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद भी प्रणय को अभी तक ये नहीं पता था कि उसे खाना क्या पसंद है। टीना कुछ रिस्पॉन्स करने वाली थी कि शेफ खाने की ट्रे लेकर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वो टीना की तरफ मुड़ा और बोला, मिस टीना, आज हम आपके लिए आपकी पसंदीदा फिलेट स्टीक लेकर आए हैं। आपकी शादी के लिए फेडरिक रेस्टोरेंट की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। ये सुनकर प्रणय के चेहरे का रंग अचानक से ही उड़ गया, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकले। उसने बस चुपचाप टीना की प्लेट हटाते हुए कहा, तुम फिलेट स्टीक कब से खाने लग गई? थैंक यू, बट अभी हमारी शादी नहीं हुई है, टीना ने प्रणय को इग्नोर करते हुए शेफ को बताया। आपकी याददाश्त काफी अच्छी है। मैंने बस एक बार आपको बताया था कि मुझे खाने में फिलेट स्टीक पसंद है और आपको अभी तक याद है। शेफ ने टीना को थैंक यू बोला और फिर वहां से चला गया। अगली बार मैं डेफिनेटली याद रखूंगा कि मेरी पत्नी को खाने में क्या पसंद है, प्रणय ने टीना को अपनी बातों से खुश करने की कोशिश करते हुए कहा। जल्दी करो, चलो खाते हैं, हमें अभी वापस जाकर मीटिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तैयारी करनी है ना, टीना ने अंदर से व्यंग्य के भाव से बोला। इसी वक्त उससे एक मैसेज आया। ये 0819 के नाम से था। जब उसने इसे खोला तो पता चला कि ये मैसेज रणविजय ने किया है। 0819 कल की डेट थी, उन दोनों की शादी की डेट। स्टीक मेरी तरफ से उस शेफ का मतलब क्या था? अच्छा, वो तो स्टीक रणविजय ने भिजवाई थी। टीना के चेहरे पर हंसी आ गई और उसने टेबल के नीचे हाथ करके मैसेज टाइप करके लिखा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर रहूंगी? मैं जो कुछ भी ढूंढना चाहता हूँ वो खुद मुझे ढूंढ लेता है, रणविजय ने लिखकर भेजा। टीना इस वक्त अपने फोन में बिजी थी, लेकिन फिर भी वो चौकन्नी होकर रेस्टोरेंट में चारों तरफ देखे जा रही थी। हालांकि रणविजय वहां पर नहीं था, फिर भी जिस तरह वो टीना पर नजर रखे हुए था, टीना को लगा कि वो आसपास ही कहीं है। उसके पास किसी को भी फॉलो करने के बहुत से रास्ते थे। टीना, तुम क्या देख रही हो? प्रणय गुलाटी ने उसकी आंखों के आगे अपना हाथ हिलाते हुए पूछा। वो उससे सवाल पूछने के लफ्ज में बात कर रहा था। ओह, कुछ नहीं, टीना ने अपना सर हिलाते हुए कहा और जल्दी से बात बदल दी। प्रणय, हम कब वापस अपनी शादी रजिस्टर करने वाले हैं? ये सब सेटल हो जाने के बाद। तुम्हें तो पता ही है आने वाला टॉप 10 मॉडल अवार्ड यूसुफा के करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। टीना, वो बहुत लकी है क्योंकि उसके पास तुम हो, नहीं तो यूसुफा इस वक्त बर्बाद हो चुकी होती। प्रणय ने टीना के ग्लास में रेड वाइन डालने के बाद उसे उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जो कुछ भी तुम चाहते हो वो वापस लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, टीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसके गालों पर पड़ने वाले डिंपल उसे और खूबसूरत बना रहे थे। लेकिन प्रणय गुलाटी ने इस वक्त इसे जरा सा भी नोटिस नहीं किया। उसका दिल कई सालों से सिर्फ यूसुफा के लिए जिस्मानी प्यार में ही डूबा था, इसलिए उसे टीना के द्वारा कही जाने वाली बातों के मतलब का भी कोई अंदाजा नहीं था। टीना, तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। टीना अच्छे से जानती थी कि आज का लंच उसे एक रिवॉर्ड के तौर पर दिया जा रहा था। वो यूसुफ और पीजी ग्रुप के लिए जो कुछ भी करने वाली थी, सिर्फ उसके रिवॉर्ड के तौर पर प्रणय उसे लंच पर लेकर आया था। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने मैनेजर से कॉन्टेक्ट करो, उसका तो मैं अलग से हिसाब करूंगा, प्रणय ने थोड़े गुस्से में कहा। ओके, टीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हालांकि वो किसी भी कीमत पर रितिका को कुछ नहीं होने देगी। 2 बज चुके थे। पीजी के मेन हॉल में हर जगह से आए हुए रिपोर्टर्स इकट्ठे हो चुके थे। वो सभी ये जानने को बेहद उत्सुक थे कि टीना आज क्या कहने वाली थी। सभी के पास टीना के लिए सवाल था,
वो अचानक से कहां चली गई थी, उसने पीजी के साथ क्या समझौता किया था और वो यूसुफा की जगह स्टेज पर क्यों आई। इस तरह के हजारों सवाल टीना से पूछे जाने वाले थे। 3 बज चुके थे। साधारण से कपड़े पहने हुए टीना अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां पहुंची। वो धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ी और अपना चेहरा भीड़ के आगे कर दिया। सभी रिपोर्टर्स उससे सबसे पहले सवाल पूछने के लिए आपस में लड़ रहे थे। टीना, आपका नाम सर्च रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर चल रहा है और ये अभी भी बहुत सर्च किया जा रहा है, क्या आपने इस पोजीशन पर आने के लिए पैसे दिए हैं? टीना, आप और यूसुफा दोनों ही पीजी के मॉडल हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से सिर्फ वो ही लाइमलाइट में नजर आती हैं। क्या आपको कंपनी द्वारा प्रमोट नहीं किया जा रहा है, इसीलिए आपने उसके फेम को हासिल करने के लिए सब किया? टीना, क्या आपने ये सब खुद को मशहूर करने के लिए किया है? इस बेहद अव्यवस्थित माहौल को संभालने के लिए कंपनी के स्टाफ जल्दी से रिपोर्टर्स को पीछे की तरफ करने लग गए। जब सब कुछ कंट्रोल में हो गया तब टीना को बोलने के लिए कहा गया। सबसे पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ, मेरी वजह से कंपनी को नुकसान हुआ और यूसुफा को भी परेशानी उठानी पड़ी। HF क्राउन के स्टार शो में मैंने बिना कंपनी और यूसुफा की जानकारी के ही स्टेज पर जाने का फैसला खुद से लिया था। ये सब जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी कंपनी, पीजी ग्रुप और यूसुफा का कोई भी हाथ नहीं है। मैं खुद को लाइट में लाने के लिए ये सब कर रही थी, लेकिन अब मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है और मैं आप सभी से इसके लिए माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन मेरे मैनेजर का इसमें कोई हाथ नहीं था, वो सिर्फ मेरे ही दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। मैं अब हर चीज की जिम्मेदारी खुद पर लेती हूँ। आप सभी के यहाँ आने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। टीना के बोलने के बाद हॉल लोगों की आवाज से गूंजने लगा। रिपोर्टर्स को इतनी आसानी से भरोसा ही नहीं हो रहा था। इससे पहले उन्होंने किसी भी सेलिब्रिटी को इस तरह से विनम्रता पूर्वक अपनी गलती स्वीकार करते हुए नहीं देखा था। दूसरे लोग अक्सर ऐसी स्थितियों पर बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीना ने बड़ी आसानी से पूरा ब्लेम खुद पर ले लिया। यहाँ तक कि ये भी कह डाला कि उसके मैनेजर और यूसुफा को भी कुछ न कहा जाए। टीना को लगा था कि इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन प्रणय गुलाटी ने पहले से ही कुछ और करने की तैयारी कर रखी थी। जब उसे लगा कि लोगों का ध्यान अब टीना के ऊपर आकर रुक गया है, तो उसने अपनी कंपनी के असिस्टेंट और डायरेक्टर से ये कहलवा दिया कि ये पहली बार नहीं था जबकि टीना ने ऐसा कुछ किया हो, लेकिन कंपनी और मैं उसे एक और आखिरी मौका देते हैं। टीना, हम आशा करते हैं कि तुम अपनी गलतियों से सीखोगी और अब दोबारा कभी भी ऐसा कुछ नहीं करोगी। प्रणय ने ऐसा बयान इसलिए जारी किया ताकि रितिका द्वारा पीजी ग्रुप पर लगाए गए सभी आरोपों को खत्म किया जा सके। अब तो ऐसा लगने लगा कि पहले भी जब टीना यूसुफा की जगह पर स्टेज पर आई थी तो वो सिर्फ खुद को फेमस करने के लिए ही ऐसा करती थी। प्रणय से गिरा हुआ इंसान शायद इस दुनिया में कोई होगा। टीना मीडिया के आगे माफी मांगने के बाद चुपचाप वहां बैठी रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद कंपनी के स्टाफ की मदद से उसे लोगों की भीड़ से बचाते हुए मेन हॉल में ले जाया गया। इस वक्त हर किसी के मन में टीना को लेकर नफरत भरी हुई थी। जब से टीना ने सबके सामने अपनी गलती मानते हुए पूरी जिम्मेदारी खुद पर ली थी, तब से पब्लिक उसे सिर्फ गुस्से की नजर से देख रही थी। लेकिन अभी तक लोगों को अंदर की बात नहीं पता थी, उन्हें बस सब कुछ ऊपर से ही दिख रहा था। बिजनेस मीटिंग से बाहर आने के बाद रणविजय को अपने स्टाफ के द्वारा इसके बारे में थोड़ा बहुत सुनने को मिला। उसने तुरंत ही अपने असिस्टेंट से आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए हर एक चीज की डिटेल में जानकारी ली। सर, क्या आप टीना मैम के लिए अब कोई स्टैंड लेंगे? नहीं, अब नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि वो इन सब से कैसे निपटती है, रणविजय ने शालीनता से जवाब दिया। उसने पहले ही बताया था कि वो देखना चाहता है कि टीना इस पर कैसे रिएक्ट करती है। पहले भी उसने 2 बार टीना की मदद की थी, लेकिन इस बार वो देखना चाहता था कि टीना इस समस्या को कैसे हल करती है। रणविजय की पत्नी के रूप में क्या वाकई में टीना इतनी मजबूत है?